हेलो एवरीवन नेम इज वरदान गर्ग एंड आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स सो भाई मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, है जहां तक आपको किंडर गार्डन से लेके क्लास ट्वेल्थ तक हर कोर्स मिल जाएगा फिर हमारे वेबसाइट पे ऐप यहां मिल जाएगी आपको दो चैप्टर से दोप्लीट कोर्स सेट की बात करूट कोर्स को मिल जाएगा

फैमिली के जो और मेंबर्स हैं जो इससे पहले हमने देखे हुए यू हेयर तो क्योंकि चीजें लिंक रहेंगी तो प्रीवियस वीडियो देख के आइए और वो वीडियो नहीं मिल रही है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे रखा है एक लिंक जो क्लास इलेवन कंप्यूटर साइंस तो क्लास इलेवंथ कंप्यूटर साइंस की कंप्लीट प्लेट so की, की लिंक नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गो एंड चेक दैट जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो पूरी प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी यू नीड टू डू इज जस्ट सेव दैट प्लेलिस्ट फॉर फ्यूचर यूज क्योंकि वो आपकी लाइफ सेवर है उसमें इलेवन सीज का सारा कंटेंट अवेलेबल है जाके एनसीआर का चैप्टर ए सर्च कर लो स्ट्रिंग्स जिसमें आपको इज एजी वाला पार्ट मिल जाएगा स्ट्रिंग मेथड का और इससे पहले की सारी वीडियो आप देख लीजिए बिकॉज दैट वुड भी वेरी हेल्पफुल टू यू तो इस तरीके से आप कंटेंट सारा फेच कर सकते हैं ठीक है बाकी अब ये तो, जो प्ले लिस्ट हो गई ये तो हो गई कंटेंट के लिए मतलब इसमें सारा कंटेंट अवेलेबल है आप कंटेंट पूरा सर्च कर सकते हो इसमें बट द थिंग इज कि अगर सपोज आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए आपको अगर सपोज क्वेश्चन चाहिए वन शॉट रिविजन चाहिए तो वो कहां से मिलेगा तो यार उसके लिए अलग प्लेलिस्ट है इस प्ले लिस्ट में वो चीजें नहीं है तो अलग प्ले लिस्ट अगर आपको फेच करनी है तो उसका भी तरीका है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक और लिंक सेपरेट लिंक दे रखी है जिसका टाइटल है ऑल सब्जेक्ट प्लेलिस्ट करके जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो प्लेटफॉर्म पर लैंड कर जाओगे जो कि बेसिकली शीट्स है जहां क्लास वाइज वाइज एग्जाम आपकी सारी प्लेलिस्ट अरेंज है ऑल यूनिट सर्च फॉर योर उसके सामने उसकी लिंक मिलेगी क्लिक दैट पूरी प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी तो इस तरीके से सारा कंटेंट आपके पास अवेलेबल हो जाएगा ठीक है तो आपने ऑरिजिनल प्लेट सर्च कर लिया हमारी ठीक है जो जिसका डायरेक्ट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उससे पूरी मतलब डायरेक्ट प्लेलिस्ट मिल जाएगी पूरे कंटेंट की बाकी इस तरीके से आप किसी भी और जो ऑल सब्जेक्ट्स वाली प्लेलिस्ट जो है उससे आप किसी भी सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट सर्च कर सकते हो ठीक है चले इसके अलावा यार एक और क्वेश्चन है मेरा आपसे कि यार क्या आप लोग एक बुक की तलाश में हो अभी तक एक परफेक्ट बुक जिसमें कोई भी एरर ना हो एक ऐसी बुक जिसमें मतलब जिसमें सारा कंटेंट हो और एक बुक मिल जाए जिसके बाद यार और कहीं भी ना जाना इधर उधर ठीक है एक ऐसी बुक जिसमें कंटेंट तो सारा हो ही साथ में कैटेगराइज हो प्रॉपरली मतलब टॉपिक सारे कैटेगराइज हो साथ में क्वेश्चंस भी मिल जाए सारे हर कैटेगरी के ठीक है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारी वराइटीज मिल जाए इसके अलावा टॉपर्स uh, के आंसर शीट मिल जाए प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाए फिर प्रैक्टिस के लिए पेपर्स मिल जाए अगर आप चाहते हो तो वो तलाश होती है आपकी खत्म बिकेस मैग्नेट ब्रेन ने लॉन्च कर दिया आप लोगों के लिए बुक्स एंड ई बुक्स जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गो एंड चेक दैट आउट ठीक है एंड फटाफट अपन स्टार्ट करेंगे से बट उससे पहले एक अपडेट आप लोग के लिए किया जैसे आप लोग को पता है कि भाई दो कंपनी है एक है मैग्नेट ब्रेन और देखिए पैबली मैग्नेट ब्रेन क्या है भाई हमारे प्लेटफॉर्म और पैबली क्या है? हमारी सॉफ्टवेयर कंपनी है और यहाँ हमें कंटिन्यूसली डेवलपर्स की जरूरत पड़ती रहती है ठीक है तो यार अगर आपको लगता है कि यार आप वो स्किल डेवलपर हो आप में वो स्पार्क है हमारे साथ रोलर कोस्टर एड जाने के लिए तैयार हो सो अप्लाई है

रेक्टर्स अब यहां तो स्पेसिफिकली मेंशन कर रखा है स्मॉल एसे स्माल जेट बट एक्चुअली में ये स्मॉल एसमाल जेट नहीं है मतलब ये तो रिप्रेजेंट करने का तरीका है बस इसके अलावा आप जीरो से लेके बेसिकली जीरो से लेकर वन ट्वेंटी सेवन तक कितने भी कैरेक्टर्स जो भी आस के कैरेक्टर्स है वो सब यूज कर सकते हो ठीक है जीरो से लेकर वन ट्वेंटी सेवन कोई भी कैरेक्टर उठा लो वो वो सब कैरेक्टर्स इंक्लूड हो जाएंगे आपके आसकी में बेसिकली इसमें आपके लोअर केस लेटर्स भी आ जाएंगे ठीक है आपके जैसे ए बी सी भी आ जाएगा ठीक है फिर कैपिटल लेटर्स भी आ जाएंगे कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी भी आ जाएगा नंबर्स भी आ जाएंगे जीरो वन टू आ जाएगा इसमें आपके सिंबल्स भी आ जाएंगे स्टार आ जाएगा माइनस आ जाएगा फॉरवर्ड स्लैश आ जाएगा बेसिकली कॉम आ जाएगा ठीक है ये सब आ जाएंगे इसके अंदर कॉलन सेमी कॉलन सब आ जाएंगे तो सब चीज आ जाएंगी इसके अंदर इवन इसके अंदर स्पेस भी आ जाएगा अगर आप स्पेस छोड़ना चाहो तो स्पेस भी अलाउड है एम स्ट्रिंग ये सब ट्रू आ जाएगा कहां ट्रू नहीं आएगा तो ये जो एक्सटेंडेड आजकी वाले सिंबल्स हैं या फिर जो यूनिकोड कैरेक्टर्स के बाकी सिंबल्स हैं बाकी लैंग्वेजेस के जो सिंबल्स हैं ग्रीक सिंबल ले लो अपने देवनागरी सीरीज ले लो बंगाली उर्दू मराठी कुछ भी ले लो वो सब जो भी सिंबल्स हैं वो सब जब आप यहां पे लगाओगे तो वहां पर आंसर फॉल्स आएगा अगर कैरेक्टर आस्की है आजकी सीरीज से बिलोंग करता है आंसर इज टू अदरवाइज आंसर इज फॉल्स अच्छा सिंटक्स में बहुत ज्यादा तो कुछ पॉसिबिलिटी है नहीं मतलब कोई ज्यादा इसमें सेंटेक्स में झंझट नहीं है रिटर्न वैल्यू में झंझट नहीं है सेंटेक्स बहुत सिंपल सा लेता है पैरामीटर क्या लेता है कोई भी पैरामीटर नहीं लेता कुछ लेता ही नहीं दिक्कत नहीं डालोगे तो ठीक है इसके अलावा रिटर्न वैल्यू क्या है returns, are, अगर सारे कैरेक्टर्स आज की तो ये ट्रू रिटर्न करेगा रिटर्न अगर एक भी आज की नहीं है तो फॉल्स रिटर्न कर देगा सिंपल सी बात ठीक है तो ये एजाज की हो गया आपका अब इसको हम थियरटिकली तो देख चुके हैं प्रैक्टिकली समझेंगे थियरटिकली बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं है प्रैक्टिकली समझेंगे प्रैक्टिकली सारी पॉसिबिलिटी समझ पाएंगे हमें तो फटाफट मेरे साथ में, में कंप्यूटर स्क्रीन ओके गाइस सो अब आगे हम कंप्यूटर स्क्रीन पर क्या देखने वाले देखने वाले कि भाई किस तरीके से हमारा काम हम करता है। तो इज वाली फैमिली का थर्ड है हमारा ये फंक्शन जिसमें हमें ये बताया जाता है कि कौन से कैरेक्टर आज की कैरेक्टर से कौन से नहीं है तो ये अगर आपको चेक है, तो इज आज की मेथड का हम यूज करेंगे तो यहाँ पे फटाफट एक नया फोल्डर मान लूंगा पहले और मैं यहां लिखूंगा स्ट्रिंग डैश में थर्ड डैश और दिस वुड बी वोट दिस वुड बी इज आज की है है ना तो है, एंटर करेंगे और इसके अंदर एक नया फाइल बना लेंगे ओपन विद कोड करके इसके अंदर एक नई गेट साइड बंद कर दूंगा इसके अंदर एक नई .py. बंद कर लेंगे और इसके देखने वाले हैं अंदर क्या आपका एज आस की मेथड एज आस की किस तरीके से काम करता है ठीक है so, सो एज आस की सबसे पहले तो सेंटेक्स में सारी कहानी देख लेंगे तो एज आस की अगर मैं लिखूंगा तो मुझे कुछ मिलेगा तो यस हमें कुछ भी नहीं मिलेगा इसके अंदर बिकॉज ये कोई नाम एक्जिस्ट ही नहीं करता तो नेमरेशन नेम मतलब भी, ने, भी, दे कर तो तो भी देख रखा है, है ना तो बिल्ट इन मेथड या बिल्ट इन फंक्शन आस्की एग्जिस्ट करता है बट इज आस्की नामक कोई भी स्ट्रिंग मेथड एग्जिस्ट मतलब फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता आपको उसको स्ट्रिंग डॉट करके ही यूज करना पड़ेगा तो उसका सिंटेक्स है इसका विच इज Which is, आपको लिखना है यहाँ पे स्ट्रिंग डॉट इज आस इसको कुछ पैरामीटर देने की जरूरत ही नहीं है इट ड एनीथिंग इसको कुछ चाहिए ही नहीं बस ये बता देगा कि पर्टिकुलर आपका जो भी कैरेक्टर है वो आस्की है या नहीं है ठीक है तो जरा इसको रन करेंगे हम और देखेंगे कि क्या कहानी है तो एक बहुत सिंपल सी सबसे पहले तो पॉसिबिलिटी देखते हैं मतलब सिंपल सा सेंटेक्स देखते हैं पहले तो क्या है तो यहां पे मैं कोई भी एक बना लूंगा क्या आपका स्ट्रिंग विच वुड बी सपोज माई नेम ओनली वरदान फॉर नाउ और डॉट इज आस की लगाऊंगा मैं इसमें डॉट इज आस की लगाऊंगा तो जब मैं इसको ऐसे इंक्लोज करूंगा तो वट आई विल गेट इज सो फॉर दिस आल

इंटरप्रेटर के अंदर तो मुझे आउटपुट मिल जाएगा तो मैं अगर आई डी एल ई में चलू एंटर करूं आई डी एल ई में आगे और यहां पे पेस्ट करूं और जब मैं इसको रन करूंगा सो वट आई गेट इज आई गेट ट्रू द आंसर वुड बी ट्रू मुझे वरदान डॉट इज आस्की से ट्रू आंसर मिल जाएगा दैट्स इट अंडरस्टूड सो दिस इज कंप्लीटली फाइन इसमें कोई दिक्कत नहीं है रन हो जाएगा बट यही आउटपुट अगर आपको चाहिए इसमें भी तो आपको क्या करना पड़ेगा इसी में प्रिंट स्टेटमेंट लगाना पड़ेगा सिंपल सी बात तो मैं अगर यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट रन करूं और यहाँ पे डालू वरदान डॉट इज बेसिकली सो वट आई विल गेट इज द आंसर विच इज ट्रू बैक अगेन तो मुझे आंसर क्या मिल गया मुझे आंसर मिल गया ट्रू विच इज कम्प्लीटली फाइन इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना तो आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी आपको जो मैं चीज समझाना चाह रहा था अब इसके और बाकी सेंटेक्स भी वैलिड करते हैं अच्छा उससे पहले जरा मैं इसका टाइप भी दिखा दूं आपको कि इसका टाइप क्या आ रहा है तो टाइप आपका वही आंसर आ रहा है तो मैं इस वाले पार्ट को कॉपी करूंगा वी नीड दिस थिंग और फिर यहां मैं डालूंगा प्रिंट बेसिकली टाइप और यहां पे पेस्ट कर दूंगा सो द आंसर वुड बी वट द आंसर वुड बी बैक अगेन बूल ओनली सो ट्रू आया है और उसकी क्लास क्या है टाइप क्या है सो क्लास इज बुलियन वैल्यू सो बुलियन क्लास है बूल क्लास है

मैं इवन ऐसा भी कर सकता हूँ कि डायरेक्टली एक वेरिएबल में ही आउटपुट स्टोर करा ओ पी टी इज इक्वल्स टू मैं कर बेसिकली वरदान डॉट इज मैं ये भी कर सकता हूँ प्रिंट okay, नहीं किया सॉरी मैंने ये रन तो कर दिया बट प्रिंट नहीं किया ना ओ पी टी को तो कुछ डिस्प्ले नहीं होगा ना ओ पी टी को मैंने प्रिंट किया तो वट एल गेट इज आई गेट बैक अगेन ट्रू फिर से मुझे ट्रू आंसर मिल गया ठीक समझ में आया वेल एंड गुड अब इसके बाद मैं इन दोनों को कंबाइन कर सकता हूं विच इज मैं यहां पे लिख सकता हूं क्या वेर इज इक्वल टू वरदान और फिर मैं यहां पे ओपीटी करूंगा ओपीटी इज इक्वल टू वैर डॉट इज की और फिर मैं प्रिंट करूंगा ओपीटी ठीक है सो ओपीटी को मैं प्रिंट करूंगा वट आई गेट इज द आंसर विच इज ट्रू तो आंसर क्या मिल जाएगा मुझे ट्रू मिल जाएगा राइट सो आंसर वुड बी बैक अगेन ट्रू समझ में आया सो दिस इज वर्ड दिस इज इज बेसिकली ठीक है सो दिस इज इजी नौ यह आपका आउटपुट आ गया अब ये चीज आपको समझ में आ गई क्या कहानी हो रही है बेसिकली ठीक है तो सेंटेक्स आपको क्लियर हो चुका अच्छा इसी का एक बार टाइप जरूर प्रिंट कर दूंगा फिर हम इसके जो भी पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स वाली कहानी है उस पर डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे कहानी विच इज मैं कहना चाह रहा हूँ कि बेसिकली अगर मैं इसी का टाइप प्रिंट कर दू प्रिंट करूँ क्या प्रिंट करो टाइप ऑफ ओपीटी सो व्हाट आई विल गेट इज आई विल गेट द आंसर एज ट्रू और क्लास क्या होगा बुल हो गया ठीक है अच्छा इसी में अगर मैं सपोज इसी में इसी में अगर मैं सपोज ये हटा दूं विच इज ये हटा दूं तो क्या आंसर मिलेगा बेसिकली मुझे सो so क्या ये रन होना चाहिए तो ये रन होगा एरर नहीं मिलेगा बट आपको एक एब्रप्ट चांसर मिलेगा विच इज आपको बता दिया जाएगा कि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का आप एक बिल्ट इन मेथड रन कर रहे हैं विच इसजाजी जिसकी मेमरी लोकेशन ये है सो बिल्ट इन मेथड इजास्की ऑफिस एस टी आर ऑब्जेक्ट एट दिस लोकेशन तो मेमरी लोकेशन आ गई आपको और ऑब्जेक्ट का नाम आ गया ठीक है अच्छा मैं इसके अंदर कुछ भी पास कर दूं देन व्हाट विल हैपन सपोज मैं इसके अंदर टू पास कर दूं टू पास कर दूं तो क्या ये एक्सेप्ट करेगा इसको

अब कहा जाएगा बताओ इसके हिसाब से आंसर या इसके हिसाब से, से, तो इस से शुरुआत है, तो है, है तो ही मैं इसको प्रिंट करूंगा वट आई गेट इज आई गेट एरर नॉट ट्रू ट्रू नहीं मिलेगा आपको एरर मिलेगा अब यहीं पे आप फंस जाते हो तो हमेशा ध्यान रखना इस सिचुएशन में एरर प्रॉपर्ली ध्यान रखना मतलब स्ट्रिंग मेथड में कभी भी कभी भी इस पॉइंट का ध्यान रखना इन टाइप के फंक्शन में आर्ग्यूमेंट नहीं जाना चाहिए किसी भी टाइप का जाएगा तो एरर आएगा है ना तो नहीं जाना है ताकि अगर, अगर आप चाहते हो कि एरर ना आए ठीक है सिंपल सी कहानी ठीक है कोई बहुत बड़ी चीज तो, तो नहीं है सिंपल सी यही कहानी आपकी इसकी है ठीक है तो ये चीज समझ में आ आगे कि कोई भी आर्ग्यूमेंट तो लेता ही नहीं है चलो भाई तो हमने आर्ग्यूमेंट के ओके यार ये क्या प्रिंट हो जाता है चलो अल प्रिंट दस है ना अब देखो तो ये आज अच्छा बल्कि हमें खुद ही बनाना पड़ेगा पूरा है ना क्योंकि अब हमारी ये पॉसिबिलिटीज तो कवर हो गई सारी आर्गुमेंट वाली पॉसिबिलिटी तो कवर हो गई कि आप उसमें वो ब्रैकेट हटा दो तो, कुछ भी पास कर दो तो कुछ भी नहीं चलेगा अब जरा हम ये देखते हैं यार इस वैर वाले की सारी पॉसिबिलिटी देखते हैं कि क्या क्या आप इसमें पास कर सकते हो तो सारी पॉसिबिलिटी हम इसमें देखेंगे तो इसमें मैं एक पर्टिकुलर सिंटेक्सा बना दूंगा वैसे प्रिंट करके प्रिंट करूंगा यार मैं पहले तो किसी कैरेक्टर के बारे में जिसकी जिस भी कैरेक्टर के बारे में मुझे प्रिंट करना है और फिर मैं उसी कैरेक्टर के बारे में इज सॉरी डॉट एज आस की रन कर दूंगा डॉट एजाज की ठीक है तो मैंने स्ट्रिंग डाला और स्ट्रिंग डॉट एजाज की रन किया तो मुझे आउटपुट मिल जाएगा अब यहां पर मैं कोई भी करेक्टर डाल सकता हूँ तो मैं सारे सारे कैरेक्टर्स डालूंगा बेसिकली यहां पर है ना और इसी को मैं क्या करता हूँ बेसिकली करूंगा कॉपी और उसको कर दूंगा खूब बार पेस्ट है ना मेनी टाइम्स पेस्ट मैंने दवा दिया बस और भूल गया हूँ मैं ठीक है दबा के भूल गया हूँ क्योंकि बहुत सारे कैरेक्टर्स आने वाले मेरे दो कितनी बड़ी लंबी चौड़ी लाइन बन गई तो सारे कैरेक्टर्स एक साथ ही जज कर लेते हैं मैंने चलो ठीक है तो हमने ये स्मॉल ए देख लिया है ना इसके बाद पूरी लेटर्स लिख दूंगा मैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई आंस और इसके बाद में पता क्या प्रिंट करूंगा इसके बाद में एक कहानी प्रिंट करूंगा विच एस भाई हमारे हो चुके हैं स्मॉल लेटर्स फिनिश तो स्पेस ठीक है अब चलेंगे कैपिटल लेटर्स में तो कैप्स लॉक को करेंगे ऑन करेंगे बंद और यहाँ सब शुरू हो जाएंगे वापस से बी सी डी ई एफ j h i j k l m n o p q r s t u v w x y and z तो ये भी फिनिश हो गए भाई हमारे यहां फिर प्रिंट करेंगे क्या हम अपना सेम कहानी ठीक है अब इसके बाद आ जाएंगे नंबर आपके सब एक साथ ऑल थिंग एवरी थिंग ऑल एट वंस जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स वा सिक्स सेवन एट नाइन टेन अब यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी तो थोड़ा सा सही करते हैं टेन फिर टेन के बाद बेसिकली क्या फोर्टी नाइन कर लेते हैं है ना फिर हंड्रेड कर लेते हैं बेसिकली फिर कर लेते हैं सपोज आपका ट्रिपल नाइन और फिर कर लेते हैं अपना कोई बहुत लंबा छोटा सा नंबर विच इज लाइक दिस ठीक है आने से नंबर्स की भी कहानी खत्म होती है प्रिंट करेंगे क्या आपकी नंबर्स की कहानी भी खत्म नेक्स्ट नेक्स्ट वाट अब आपको सारे सिंबल्स देखने हैं ना और जरा सिंबल्स एक्सप्लोर करते हैं स्टार माइनस और प्लस तो हो चुका है फॉरवर्ड स्लैश भी हो चुका है क्वेश्चन मार्क फुल स्टॉप, ब्रैकेट ब्रैकेट ओपन, कॉमा, अच्छा, डबल इन्वर्टेड कॉमा इसके अंदर आ जाएगा फिर आ जाएगा कॉलन फिर आ जाएगा सॉरी सेमी कॉलन फिर कॉलन फिर वर्टिकल बार ये ये फिरिए ये, फे ये। ठीक है बस यहाँ तक होगा सारे खत्म अब नेक्स्ट क्या ओके ये सारे सिंबल्स हो चुके हैं हमारे ठीक है तो सिंबल्स आर डन इतने सारे वेस्ट हो गए हमारी कहानी बहुत ज़्यादा बना लिया अपन ने चलो अब जरा इसको देखें हम इसको ज़रा करते हैं एक्सप्लोर वो तो सब आ गया सबका आंसर देखिएगा क्या है बहुत इंटरेस्टिंग है स्मॉल ए से शुरुआत करते हैं स्मॉल ओके धीरे धीरे लेके चलेंगे तो स्मॉल ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ऑल ट्रू दीज आर वट दीज आर ऑल ट्रू नेक्स्ट कैपिटल्स है तो कैपिटल ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ऑल ट्रू जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन फिर फोर्टी नाइन हंड्रेड नाइन ट्रिपल नाइन फिर एट नाइन सेवन वन वन फाइव फोर नाइन वन टू ऑल ट्रू सिंबल्स देखिएगा सिंबल्स भी ऑल ट्रू अब क्यों ऐसा हो रहा है जस्ट अंडरस्टैंड पॉइंट क्यों ऐसा हो रहा है क्योंकि कीबोर्ड बना हुआ ना उसमें जो जो चूज कर लो कोई भी सिंबल है टाइपलो है, 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 है ना उसकी बोर्ड के सारे कैरेक्टर्स बनाए ही आज के हिसाब से गए आज के रिप्रेजेंट कर रहे हैं दोरेक्टर्स क्योंकि वो आज की कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आप कोई भी सिम्बल प्रिंट करोगे दैट वुड बी योर ट्रो अब आपको एक फॉर्मेट और दिखाता हूँ कजब का ठीक है विच इज वट विच इज सपोज मैं इसमें अच्छा मैं एक नॉर्मल वाला सेंटेक्स प्रिंट कर वो करूंगा सेंटेक्स वो विच इज वेर इज इक्व टू स्ट्रिंग बनाएंगे अब क्योंकि सारे ट्रू हैं तो आप कुछ भी मिक्स करोगे ट्रू ही मिलेगा आपको हमेशा है ना बाकी ओपीटी करूंगा मैं ओपीटी इज इक्वल्स टू आउटपुट वज बी वेर डॉट इज आस्की है ना और फिर प्रिंट कर देंगे क्या ओपीटी को और इससे पहले वैर भी प्रिंट कर लेते हैं जरा प्रिंट अब मैं क्या करने वाला देखो देखो पे पे क्या करने वाला मैं पे आपको स्ट्रिंग दिखाऊंगा तो एम टी स्ट्रिंग आज की है यार बिल्कुल है अब देखो ये सब अभी तक तो कभी नहीं आया ना इस एलनम में आए ना इस एल्फा में है इसमें आ रहा है क्योंकि स्पेस कैरेक्टर भी एक यूनिकोड वैल्यू मतलब आज की कैरेक्टर है आज की स्पेस लेता है ब्लैंक लेता है क्या ब्लैंक लेता है क्या यार बिल्कुल मतलब स्पेस भी लेता है तो ये भी ट्रू आएगा आपके पास तो ये ड्रेसिंग क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत चीजें आपको ट्रू मिलेंगी अब आपने प्लस माइनस तो सब देख ही चुके हो ठीक है कैरेक्टर आप कुछ भी डाल दो है ना स्मॉल डाल दो मतलब मिक्स करो कैपिटल्स को आप मिक्स करो नंबर्स को आप मिक्स करो सिम्बल्स को ठीक है आप मिक्स करो बेसिकली स्पेस को आप मिक्स करो बस कुछ भी मिक्स कर दो इट वुड ऑलवेज बी ट्रू बिकॉज वो सब ही ट्रू है वो सब ही आज की कैरेक्टर्स है ठीक है, दिज ऑल वुड बी ट्रू आप इसको अलग अलग फॉर्मेट में देख सकते हो अगर आप अंदर इसके लिस्ट डाल दो और इवन अब आप डाल दो वन कॉमर टू कॉमर सॉरी वन कॉमर टू कामर थ्री तब भी ये ट्रू मिलेगा आपको है ना दिस इज अगेन ट्रू ओनली अच्छा हमने यार एक चीज भूल गया इसमें विच इज इसी के अंदर क्या डबल इन्वर्टेड कॉमा वाली कहानी ना विच इज वट विच इज यहां से हटाएंगे अपन सिंगल वाली कहानी तो देख सिंगल नहीं देखा हमने तो सिंगल भी क्या है देखो ट्रू है सिंगल भी ट्रू है ठीक है तो ये भी समझ लीजिएगा अच्छा इसी में मैं टपल कर नहीं एक ए और फिर वन प्रिंट कर इसमें कोई दिक्कत किसी टाइप की नहीं भाई कोई दिक्कत नहीं आएगी परफेक्टली प्रिंट हो जाएगा ट्रू स्टेटमेंट आ चुका है ट्रू है ये भी ठीक है टपल के साथ साथ आप क्या करो टपल के साथ आप सपोज कोई भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ले लो टू पॉइंट नाइन ट्रू आएगा क्योंकि डॉट इज अलाउड टू इज अलाउड नाइन इज अलाउड ट्रू आएगा ठीक है आप इसमें नेगेटिव नंबर ले लो माइनस नाइन दिस इज अगेन ट्रू माइनस इज अलाउड माइनस इज आज की करेक्टर ठीक है दिस इज ट्रू ओके अबाउट बेसिकली और माइनस नाइन के बाद आ जाता है आपका डेसिबल uh, और इसको मिक्स कर लेते हैं ठीक है डेसिमल और नेगेटिव कैरेक्टर्स को मिक्स किया तो गेन ट्रू दिस इज इज वेल ट्रू राइट चलो नेक्स्ट क्या इसके बाद नेक्स्ट क्या नेक्स्ट क्या नेक्स्ट क्या नेक्स्ट इसके बाद आ जाएगा आपके पास सपोज टू प्लस माइनस थ्री जय टू माइनस थ्री जय दिस वुड बी वट दिस वुड बी बैक अगेन ट्रू अच्छा इवन इसके बाद शॉकिंग न्यूज ये है अगर यहाँ पे सपोज मैं बैक्सलेशन डालू देन वट बैक्सलेशन ये भी आज की कैरेक्टर है इसका भी आंसर ट्रू है तो दिस इज एन इंटरेस्टिंग पॉइंट और यहाँ पे फंस जाते लोग ठीक है आपको नहीं फंसना ठीक है यू आर स्मार्ट नाउ प्रिजेंट इट मल्टी कैरेक्टर बनाया मैंने वरदान लिखा एंटर मारा तब भी आपको क्या मिलेगा ट्रू मिलेगा एंटर मारने के बाद भी ट्रू मिलने वाला है देखो वैक्सीनेशन है ना एम टी मतलब वैक्सीनेशन ट्रू क्लियर तो की का कोई भी कैरेक्टर उठा के डाल दो आपको ट्रू मिलेगा कहां फॉल्स मिलेगा वो समझते हैं। तो बेसिकली फॉल्स आपको मिलेगा नॉन आस की और नॉन आसकी कैरेक्टर्स हमें चलना पड़ेगा वर्ड पे तो मिलेंगे तो जरा वर्ड से चल के अपना नॉन आस की करेक्टर्स उठा के लाते हैं इंसर्ट में चलेंगे सिंबल्स में चलेंगे मोर सिंबल्स में चलेंगे मोर सिंबल्स में चलते हैं अब देखो यहां पे एरियल यूनिकोड ही सिलेक्टेड है और इसमें से देखो आज की करेक्टर्स क्या नहीं है स्टार्टिंग वाले आर ऑल आज की करेक्टर्स ठीक है तो दीज आर ऑल आज की करेक्टर्स बेसिकली तो आज की डेमल में ले आता हूं मैं इसको ठीक है तो सिक्सटी फाइव है ये सही आ रहा है जेड इज नाइंटी ये भी सही आ रहा है ठीक है ए भी नाइनटी सेवन है सही आ रहा है तो वन ट्वेंटी एट तक होता है आई नो दाइट सॉन ट्वेंटी सेवन तक रहेगा जीरो से वन ट्वेंटी सेवन तक रहेगा ठीक so, रहे तो, है सो दिस वन थर्टी सेवन काज वन ट्वेंटी सेवन का गायब है अब जरा इसमें यह देख लेते कि extended चलेगा नहीं चलेगा दीजआर वर्ड एक्सटेंडेड आस्कीस तो एक्सटेंडेड आस्कीस चलेंगे नहीं चलेंगे वो देख लेते पहले तो इसके बाद एक्सटेंडेड आस्की के बाद अब टू फिफ्टी सिक्स के बाद अगर मैं चलूँ अच्छा टू फिफ्टी सिक्स के अगर इसमें कहानी टू फिफ्टी फाइव के बाद सॉरी कहानी दिखेगी नहीं क्योंकि एग्जिस्ट ही नहीं करती तो ये भी एक्सटेंडेड आज की माँ गया अब जैसे ही मैं इसके अंदर आ जाऊंगा यूनिकोड में तो यूनिकोड में कैरेक्टर्स तो और ज़्यादा बढ़ गए तो तो है।, है ना इज़ अब ये यूनिकोड कैरेक्टर हेक्स फॉर्म में आ रहे हैं अब इसमें अगर मैं नीचे बढ़ता हूँ तो इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे आ जाएंगे जो आपके हैं ही नहीं है ना मतलब जो यूनिकोड के पार्ट है बेसिकली ठीक है दोज विच आर यूनिकोड्स पार्ट जैसे यहाँ पे मैं अगर स्टार्टिंग से देखूँ तो दीज आर वर्ट दीज आर आज की कैरेक्टर्स कहा तक भाई टू फिफ्टी सिक्स कहां पर आएगा चलो बहुत ज्यादा हो गया ये तो ठीक है सॉरी आई थिंक अपनी हो ही गया ठीक है और आई थिंक सो इट वॉज टे चलो ठीक है निकाल लेते ना छोड़ो ना अपना क्यों इतना फर्क पड़ रहा है हम बहुत बड़े कैरेक्टर्स निकाल लेते हैं इज़ हम चलते हैं सपोज नीचे अपने हिंद चलो हाँ ग्रीक सिंबल्स पे आ गए फिर ठीक है अल्फा बीटा गामा डेल्टा से यहाँ स्पेस नहीं डाला मैंने स्पेस डाल दूँगा नहीं तो फंस जाएंगे वो इतना धीरे और अल्फा बीटा के बाद क्या आ गया यहाँ पर चलो अच्छा पहले भी तो ये और भी है ना अपने स्मॉल लेटर्स भी हैं वो भी देख लेते हैं अल्फा बीटा गामा डेल्टा नेक्स्ट अपने सिंपल्स पे चलते हैं उच इज हिंदी देवनागरी करेक्टर्स पे सो वेर इज देवनागरी ओके आ ख है ना ये हो गया अब देखो यहाँ का कहानी तो ये तो एक्सटेंडेड करेक्टर्स है जरा इनको चेक करते हैं एक्सटेंडेड करेक्टर्स आर ट्रू और नॉट तो यहाँ पे पेस्ट करूंगा इसको कॉपी करूंगा और एक एक करेक्टर हम पेस्ट करते चलेंगे तो अब क्या करूंगा मैं यहां से बस सिंबल उठाऊंगा और डिलीट 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 दीज आर एक्सटेंडेड कैरेक्टर्स ओके तो ये एक्सटेंडेड आज की है तो आर दीज कंसिडर्ड ट्रू और नॉट ये समझ रहा है ठीक है बस उसके चाहिए नहीं अपने को लेट मी रन दिस एक्सटेंडेड एक्सटेंडेड आस्कीस सो आर एज वेल फॉल्स आप जितने भी एक्सटेंडेड आस्की कैरेक्टर्स उठाओगे सब कुछ आपको क्या मिलेगा सारे आपको फॉल्स मिलेंगे सो दीज आर एक्सटेंडेड कैरेक्टर आस्कीज एंड दीज आर ऑल वॉट दीज आर फॉल्स तो मतलब सिर्फ वन ट्वेंटी सेवन तक कैरेक्टर्स ठीक है अब वन ट्वेंटी सेवन कैरेक्टर अगर मैं उठा के लाऊँ सो दैट वुड बी ट्रू है ना वन ट्वेंटी सेवन करेक्टर दिखाता हूँ आपको सो so वो इज आस्की का पार्ट है जैसे अगर मैं यहाँ पे ही ले लूँ डेसिमल में इज आस्की और 127 समझूं अगर सो दिस इज दिस इज दिस इज वन ट्वेंटी सिक्स वन ट्वेंटी सेवन है नहीं तो वन ट्वेंटी सिक्स साइन तुमने देखा ही है तो बट चलो ठीक है ले आता हूँ मैं तो ये वन ट्वेंटी सिक्स हो गया ना ये भी क्या है ये भी आपका पार्ट है उसका तो अगर मैं इसको रन करूँगा सो दिस वुड भी एक्चुअली इसमें रहेगा ट्रू है ना ये कहानी ट्रू है तो ये देखिए दिस इज ट्रू है ना तो आज की कैरेक्टर्स आर ट्रू नॉन आज की कैरेक्टर्स आर नॉट अब जरा एक्सटेंडेड का बहुत आगे की सीरीज उठा लेते हैं अपन विच इज खतरनाक वन ठीक है तो अब जरा उठाएंगे बाकी की आ, आपके ग्रीक सिंबल्स तो वर्ड फाइल पे चल के उठाते जरा तो मैं अभी फिलहाल लिखा लूँ उठा लूंगा ये आपके ग्रीक सिंबल्स पेस्ट करते इसको करते कॉपी ठीक है पर मैं क्या करूँगा ना यार ये स्पेस वाला कैरेक्टर कॉपी करूँगा बिकॉज ये मुझे क्या देगा सीधे से मतलब स्पेस नहीं दे रहा क्यों नहीं दे रहा है स्पेस मुझे यार ठीक है अब करते हैं कॉपी मतलब अब सही ना अब सिर्फ कॉपी पेस्ट कर दिया मैंने बहुत सारे कर दिए वैसे मैंने चलो ठीक है कोई नहीं ठीक है ये देखते हैं ये तो नेगेशन ही साइन था यार मैंने क्या अच्छा नेगेशन साइन उठा लिया गलती से इसको हटाओ यार ये नहीं चाहिए अपने अपने को चाहिए बेसिकली क्या अल्फा फिर बीता फिर गामा फिर डेल्टा फिर स्मॉल अल्फा फिर स्मॉल बीता फिर स्मॉल गामा if we small delta if small delta right and we are up now let me show you this these are as well what these are as well false alpha false beta false gamma false delta false small alpha false small beta false small gamma false small delta false all false all false understood that so these are as well false ओके व्हाट अबाउट आर सिंबल्स हमारे सिंबल्स की क्या कहानी है तो ज़रा वो देखते हैं यार हमारे सिंबल्स की क्या कहानी वर्ड फाइल में चलेंगे ओ उठाएंगे और इसको करेंगे कॉपी अच्छा नहीं इसको करेंगे कॉपी नहीं यार इसको करेंगे कॉपी बेसिकली ठीक है और इसको यहाँ से पेस करेंगे आई थिंक सो दीज वुड बी मोर देन सफिशिएंट है ना बड़ा आ छोटी ई बड़ी ई छोटी ई बड़ी हो गए ख हो गया जकाऊ बाद में चला गया ख क एंड गो एडमिरांडर्स सो इट इज ऑल फ़ॉल्स है ना सारे क्या है सारे फॉल्स बिकॉज दीज आर नॉट आर कैरेक्टर्स तो so, ये आजकी के पार्ट नहीं है तो दीज आर नॉन नॉन आस्की तो कभी भी अगर आपको चेक करना है बेसिकली कि किसी ने भी कोई भी कैरेक्टर डाला वो आपके कीबोर्ड जनरल कीबोर्ड में है कि नहीं यू कैन यूज ये बस जनरल कीबोर्ड में आपके जितने भी कैरेक्टर्स हैं जो कुछ भी है वो सब आजकी में कंक्लूड मतलब इंक्लूड होता है और उन सबको आजकी में काउंट किया था उनके अलावा जितने भी कैरेक्टर्स है दोज आर ऑल फॉल्स ठीक है तो आजकी का सिग्निफिकेंस समझ में आ गया कि क्या करेगा आजकी बेसिकली क्या चेक करेगा बढ़िया

तो मैं लिस्ट पे रन करूंगा तो लिस्ट में मुझे क्या मिलेगा बेसिकली एट्रीब्यूट एरर मिल जाएगा no तो इस नामक, नामक कोई ही नहीं करता तो आपको मिल गया क्या ठीक है अंडरस्टूड अगर इसी में मैं टपल रन कर दूं तो टपल के साथ भी वही कहानी विच इज इसमें भी कोई एट्रीब्यूट एग्जिस्ट नहीं करता आज की नामक तो आपको भी यहां पर भी क्या मिल जाएगा एट्रीब्यूट एर टपल ऑब्जेक्ट है नामक कोई एट्रीब्यूट है ही नहीं इसके पास ठीक है सिंपल सी बात समझे यस yes और नो no. अच्छा इसी में अगर सपोज मैं कहूँ कि सर आपको अगर ऐसा लग रहा है ना भाई इसमें एक सिंगल स्ट्रिंग रन करो तो चल जाएगा तो यार वो भी आपको बहुत गलत लग रहा है बिकॉज नहीं चलेगा यहां पर भी एट्रीब्यूट एरर आ जाएगा के साथ तो ये भी आपको क्या देगा यार ये भी आपको एट्रीब्यूट एरर ही देगा ठीक है बट ए सी में अगर मैं सपोज टपल रन कर बिल्कुल चलेगा भाई ये बट ये टपल नहीं है ऐसा मैं सोच टे दिस इज नॉट टपल दिस इज ऑब्जेक्ट सेपरेटेड बाई टू ब्रैकेट विच इज इज सिंपल सी बात अगर इसको आपको बनाना है टपल तो क्या करना होगा बेसिकली आपको आपको यहाँ डालना पड़ेगा एक कॉमा क्योंकि तो टपल में एटलीस्ट दो एलिमेंट लगते हैं ना ब्रैकेट्स अगर आपको अलग करना है तो तो उसके लिए आप कॉमा लगा दो क्योंकि अगर एलिमेंट यूज कर रहे हो दूसरा नहीं है तो कॉमा लगा दो रिप्रेजेंटिंग टपल है तो अगर मैं इसको रन करूँ देन वट आई गेट इज आई गेट दिस एट्रीब्यूट विच इज टपल ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट है एजाज की नामक कोई टपल मतलब कोई एट्रीब्यूट है ही नहीं इसमें सिंपल सी बात ठीक है तो आई होप ये कहानी पूरी क्लियर है ना इसमें कोई दिक्कत नहीं दिस इज़ ऑल क्लियर तो सब समझ में आ गया है सो दिस वॉज योर इस आज की इस आज की समझ में आ गया अब इसके बाद नेक्स्ट हम चलेंगे इसके नेक्स्ट मेंबर की तरफ इज वाली इस फैमिली के नेक्स्ट मेंबर की तरफ ऐसे इज़ कर करके बहुत सारे फंक्शन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज बहुत ज़्यादा यूजफुल रहते हैं फंक्शन ठीक है functions, चलो तो फिलहाल इसको सेव करेंगे इसको बंद कर दूंगा इसको ही बंद कर दूंगा इसको ही बंद कर दूंगा तो ये हमारा इज आज की फिनिश हो गया वर्ड फाइल बंद नहीं है वर्ड फाइल भी बंद कर लेंगे अपन है ना वी डोंट नीड दिस नाउ सेव करके बंद कर देंगे तो ये हमारा एज आज की था एज आज की समझ में आ गया तो ये प्रैक्टिकली फिनिश हो गया तो स्लाइड्स अभी खत्म मतलब वीडियो खत्म नहीं हुआ है स्लाइड्स पे चलते हैं और वीडियो करते हैं कंप्लीट ठीक है चलिए ओके गाइस, सो आई होप आपको थियेटिकली और प्रैक्टिकली समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपका इज आज की मेथड काम करता है

सीबीएसई हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड एंड बिहार बोर्ड तो ये भाई हमारे टॉप कोर्सेज है जो आपको मिल जाएंगे। हमारे इन तीन प्लेटफॉर्म पर हमारे यूट्यूब इज माग्ड गो एन सब्सक्राइब सबसे पहले तो ठीक है इसके बाद फिर हमारा ऐप है जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है जस्ट वही नाम सर्च करना है माग्न इसके बाद हमारी वेबसाइट है जो आप एड्रेस बार सीधे सर्च कर सकते हो विद दिस डब्ल्यू 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 डॉट मागनेर बीन डॉट कॉम दिस टाइप दिस आपके लिए वेबसाइट ओपन होकर हो, हो जाएगी आ जाएगी इसके अलावा यार अगर आप इन तीनों में से किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं पहुंच पा रहे हो ना बस क्या करो गूगल पे टाइप करो मैग्नेट ब्रेन टॉप पे हम ही हमारी वेबसाइट आपके ऊपर हो जाएगी तो इन तीनों ही प्लेटफॉर्म पे आप बहुत आसानी से पहुंच सकते हो ठीक है अच्छा इसके बाद इनकी खासियत देखो खासियत क्या इनकी इन तीनों ही प्लेटफॉर्म्स पे आपको 100 परसेंट फ्री वॉचिंग है मतलब पूरा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है कोई कूपन कोड नहीं लगाने कोई बायनाओ की कहानी नहीं है कुछ भी नहीं है ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट कम एंड वॉच द वीडियोज कोई लॉग इन नहीं है कोई साइनअप नहीं है कुछ भी नहीं है सिर्फ आपको वीडियो आके देखने हैं ठीक है ठीके? और सीखना है उनसे तो कंटेंट पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है एंड कंप्लीट अवेलेबल है ए टू जेड सारे चैप्टर सारी वीडियोज अवेलेबल है सारे टॉपिक्स अवेलेबल है ठीक है यहां कुछ डेमो नहीं दे रहे हैं हम या फिर हम यहाँ पे कुछ एक दो वीडियोस नहीं बता रहे हैं पूरा कोर्स पढ़ा रहे हैं पूरा कोर्स अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट ठीक है और अगर कुछ चैप्टर या कुछ वीडियो मिसिंग भी है तो वो इसलिए मिसिंग है क्योंकि उस पर काम चल रहा है जल्दी उस पर काम कंप्लीट हो जाएगा वो रिकॉर्ड हो जाएंगे फिर आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी डोंट वरी अबाउट दैट ऐसा कुछ नहीं है कि वो हमने किसी तिजोरी में लॉक कर रखा है जब कुछ पे करोगे तभी आपको मिलेगा नहीं ऐसा कुछ कहानी नहीं है ठीक है ना बाकी इसके अलावा बुक्स एंड ई बुक्स को तो आपको बताई चुका हूं मैं कि मांगन बेंच की बुक्स एंड ई बुक्स लॉन्च हो गई हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी गो एंड चेक दैट आउट बाकी इसी के साथ एक और चीज है यार कि जो भी आप लोग पढ़ रहे हैं इसी से रिलेटेड नोट्स भी अवेलेबल है

ठीक है और गई अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है कंटेंट पसंद आ रहा है वीडियो अच्छी लग रही है प्लेलिस्ट पसंद आ रही है अगर आपको लगता है कि आप हर रोज उनसे कुछ नया सीख रहे हैं अगर आपको लगता है कि आपको एग्जाम्स में हेल्प हो रही हमारी वजह से सो हमारे साथ यानी कि मैग्नेट बने से जुड़े रहिए बिकॉज हम रहते हैं आपके लिए किंडन गार्डन से क्लास ट्वेल तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट हर कोर्स में हम आपके साथ हैं सो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे इस तरीके से बने रहेंगे राइट मैं आपसे मिलता नेक्स्ट वीडियो में चिल देन गुड बाय थैंक यू वेरी मच